जय जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीत राग अवतारी जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीत राग अवतारी वीत राग अवतारी वीत राग अवतारी जय जय प्रभु प्रभुता धारी जय जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीत राग अवतारी जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीत राग अवतारी। संबोधि के पांचवें अध्याय में उल्लिखित है, आत्मा वशीकृतो येन तेनात्मा विदितो ध्रुवम् अजितात्मा विदन् सर्वम् अपि नात्मान मृच्छति। जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को वश में कर लिया है, उसने आत्मा को जान लिया है। आत्मा को जानना तब तक संभव नहीं होता पूर्णतया, जब तक आत्मा को वश में न कर लिया जाए। प्रश्न होता है कि आत्मा को वश में करें कैसे? कोई सामने दिखाई दे तो उसको वश में भी करने का प्रयास करें। जो हमें दिखाई ही नहीं देता है उसको वश में कैसे करें? उसके लिए उपाय है कि शरीर को वश में कर लो, वाणी को वश में कर लो, मन को वश में कर लो, इंद्रियों को वश में कर लो, तो आत्मा अपने आप वश में हो जाएगी। ये सारे आत्मा के ही अनुचर हैं, साधन हैं। इन पर कंट्रोल हो जाएगा तो अपने आप आत्मा पर कंट्रोल हो सकेगा। एक पर कंट्रोल करने का प्रभाव दूसरे पर पड़ जाता है। हमारे धर्म संघ की एक घटना आती है, तृतीय आचार्य ऋषिराज महाराज का समय था, तो हेमराज जी स्वामी ऋषिराज महाराज से दीक्षा में बड़े थे। वे गुरुकुलवास में थे, आलोचना लेने के लिए आचार्य श्री के पास नहीं आते। ऋषिराज ने सोचा कि यह तो परंपरा ठीक नहीं है कि आचार्य हैं, बैठे हैं, विद्यमान हैं, पास में हैं, और बड़े संत आचार्य के पास आकर आलोचना न करें, यह तो अच्छी बात नहीं है। तो परंपरा यह डालनी चाहिए कि बड़े संत भी आचार्यों के पास आलोचना लें। तो आपने सीधा हेमराज जी स्वामी से नहीं कहा, जीतमल जी को पकड़ा, जीतमल जी से कहा। मुनि जीतमल जी जो उनके विद्यार्थी रहे हुए थे या विद्यार्थी थे, तो उनको कुछ प्रेरणा दी कि हेमराज जी स्वामी आलोचना लेने आए नहीं, तो कुछ जीतमल जी स्वामी को फरमा दिया। भूल न करूं तो फरमाया कि जब तक हेमराज जी स्वामी हमारे पास न आए, तुमको उनसे बोलने का ऐसा कुछ नियम फरमा दिया। जीत मुनि गए कि मुनिश्री आप पधारे नहीं गुरुदेव के पास आलोचना लेने के लिए। जीतमल मैं तो ऐसे ही यहीं बैठे बैठे खुद अपने आप ही आलोचना कर लेता हूं, मैं तो जाता तो नहीं हूं। नहीं महाराज, आपको जाना चाहिए, आचार्य श्री विराजमान है, हम गुरुकुलवास में है। न्यारा में तो आलोचना अपने आप ले सकते हो, पर यहां तो गुरुकुलवास है, यहां तो आचार्यों के पास आलोचना करनी पड़ती है, अग्रणी मुनियों को भी। ठीक है जीतमल, तुम कहते हो तो मैं गुरुदेव के पास जाके आलोचना कर लूंगा। अब सीधा हेमराज जी स्वामी को नहीं कहा, पर सोचा किसको कहने से कहां असर होगा,
एकोकार उसका असर वहां तक हो गया। तो मन पर कंट्रोल कर लेंगे, वचन पर कंट्रोल कर लेंगे, काय पर कंट्रोल कर लेंगे, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे, तो उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा, आत्मा अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो संबोधिकार ने कहा कि आत्मा को जिसने वश में कर लिया है उसने आत्मा को जान लिया है, और जिसने आत्मा को जीता नहीं है, आत्मा को वश में नहीं कर लिया है और सब कुछ जानते हुए भी वह आत्मा को प्राप्त हो नहीं सकता। सारांश की बात है, आत्मा को पाने के लिए हमें विकारों को निवारित करना पड़ेगा, विकार दूर करने पड़ेंगे, तब आत्मा की प्राप्ति हो सकेगी। हमारे में अहंकार विकार है, गुस्सा भी विकार है, इन विकारों को हम छोड़ें, और ये विकार साधना में बाधक भी बनते हैं। अनेक विकारों में एक अहंकार है। अगर आदमी घमंड में रहता है तो मानो वह आत्मस्वरूप से दूर है। एक छोटा सा कथानक आता है, वैसे यह प्राचीन साहित्य में मिलता है, जहां अति व्युत्पन्न व्युत्पन्न इनकी चर्चा हुई है, मैं थोड़ा अपनी शैली में उसको बताना चाहूंगा। यानी कुछ शिष्य अति व्युत्पन्न बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, इतना होशियार नहीं होना चाहिए गुरु के सामने। सीधी भाषा में कहें तो कुछ शिष्य अविनीत भी हो जाते हैं, कुछ बड़े विनीत होते हैं। एक कोई आचार्य थे, तो अवस्था भी आ गई थी, सोचा अब पीछे की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब उत्तराधिकार का निर्णय करना आचार्य के ही हाथ की बात है तो फिर उनको विशेष ध्यान देना होता है। मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी इस बारे में बड़े जागरूक थे कि पीछे की व्यवस्था हो जानी चाहिए, और उन्होंने गुरुदेव तुलसी से भी कहा। जब गुरुदेव तुलसी बहुत ज्यादा एजेड नहीं थे, छोटे ही थे, बहुत कोई अवस्था नहीं थी, तभी भी कह दिया कि अब आपको पीछे की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि आप कोई नाम सुझाओ, किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मंत्री मुनि बोले कि मैं तो एक बार नाम बताकर भुंदो दी गयो, अब नाम को नहीं बताऊं। यानी संभवतः उन्होंने कोई नाम का कभी सुझाव दिया था और वह साधु फिर योग्य नहीं निकला, तो कहा मैं तो भुंदो दी गयो, अब नाम को नहीं बताऊं, आप ध्यान दो बुला रहे वास्ते। जब गुरुदेव तुलसी कलकत्ता के लिए बिहार कर रहे थे तो संभवतः सरदार शहर पधारे, कलकत्ता की ओर आगे पधारना था, तो आचार्य श्री ने तो बिहार कर दिया। मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमको, यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी पीछे थे वंदना की मंत्री मुनि को, तो कहा देखो नथमल जी थे, ध्यान रखी जो कहा आपने मानव गणी की, आप एक बार तो भोग लिया, आगे आस्थिति कभी नहीं बन जावे, तो ध्यान रखी जो लारे की व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए। यानी वो इतने जागरूक थे क्योंकि वे भुक्त भोगी थे। मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी भुक्त भोगी थे, मानगणि का समय उनका देखा हुआ था, तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वे आचार्य श्री तुलसी संभवतः जवानी अवस्था में थे, तभी मंत्री मुनि ने कहना शुरू कर दिया कि आप पीछे की व्यवस्था पर अब ध्यान दीजिए। तो आचार्य ने सोचा कि मुझे भी पीछे की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, तो सोचा कि मेरे शिष्यों में दो शिष्य काफी दक्ष हैं, योग्य हैं, आगम के ज्ञाता हैं, अध्यापिता भी हैं,
इन दो पर मुझे ध्यान देना चाहिए। फिर एक दिन सोचा कि दो हैं तो दो में से एक का चुनाव करना पड़ेगा, दो में से एक कौन हो। तो उन्होंने परीक्षा करने का निर्णय किया। एक दिन गुरुदेव आचार्य श्री ने उपवास किया और फिर पालना था, तो वो दो साधु थे, उनमें एक दीक्षा में बड़ा था, एक उनसे छोटा था। एक बाल मुनि से कहा कि जाओ, जो वे बड़े संत हैं ना, दो में से उनको लाओ, मेरे पास बुला करके लाओ। छोटे मुनि गए कि महाराज, आचार्य श्री आपको याद फरमा रहे हैं। अब वे कोई अध्ययन आदि में लगे हुए थे कि अभी क्या बीच में गुरुदेव के काम हो गया, क्यों मुझे बीच में बुला लिया। अनमनासा होकर के आ तो गए, आके ये बोले क्या काम हो गया, मैं तो काम में लगा हुआ था, बीच में आपने बुला लिया, क्या काम हो गया ऐसा आपके। तो कहा कि आज पालना था, अभी तक मुंह साफ नहीं हुआ है, तुम गांव में जाओ, श्रावकों के घरों में कैरी लेके आ जाओ तो थोड़ा मुंह साफ हो जाए मेरा। कैरी? क्या साधु के लिए कल्पनीय है कैरी खाना, क्या बात करते हो आप। थोड़ा उन थोड़ा तेजी में आ गया। गुरु ने कहा ठीक है, तुम बैठो अपना काम करो। अब बाद में बाल मुनि से गुरुदेव ने कहा कि दूसरे जो संत एक और है ना, वो पढ़े लिखे, उनको अब बुला करके लाओ। तो उनके पास वे संत गए कि महाराज, गुरुदेव ने आपको याद फरमाई। अच्छा, गुरुदेव ने तत्काल अहोभाव से खड़े हुए, रजोहरण हाथ में लिया, आए, वंदना की कि गुरुदेव बड़ी कृपा की आपने मुझे याद किया है, फरमाइए मेरे लिए क्या आदेश है आपका। तो गुरु ने कहा कि कैरी लेकर के आ जाओ। कहा गुरुदेव कैरी का अचार, हाँ लेके आ जाओ। फिर कहा ठीक है, तुम बैठो भले। अब गुरु ने सोचा पढ़े लिखे तो दोनों ही साधु हैं, पर एक में तो विनय है और एक में विनय की कमी है, तो केवल मुझे पढ़ा लिखा ही नहीं देखना है, मुझे साथ में यह देखना है कि मेरा उत्तराधिकारी जो बने वो विनयवान भी होना चाहिए। विनयवान होगा तो मेरी परंपरा को, हमारे शासन की परंपरा को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकेगा। तो बाद में जब मौका आया तो आचार्य श्री ने जो छोटे वो मुनि थे, पढ़े लिखे छोटे, दोनों में एक छोटे थे, उनको अपना उत्तराधिकार सौंप दिया। और बाद में गुरुदेव का तो स्वर्गवास हो गया, पीछे जो उत्तराधिकारी युवाचार्य थे वे बाद में आचार्य बन गए। तो दोनों शिष्यों में पढ़ाई की दृष्टि से तो वैसे कमी वाली बात नहीं थी, दोनों पढ़े लिखे थे, पर विनय की भावना एक में कम थी, एक में अच्छी थी। तो आचार्यों ने जो विनय भावना से भी संपन्न थे उनको अपना उत्तराधिकार सौंपा। हालांकि आचार्य बनना वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है विनय का होना, बड़ी बात है, और आचार्य पद की योग्यता का आ जाना बड़ी बात हो जाती है। तो साधु को तो यह सोचना चाहिए कि मैं अहंकार में न जाऊं। और गुरुदेव तुलसी ने एक छोटा सा ग्रंथ बनाया है, कर्तव्य सत्रंशिका, उसमें आपने कहा है पृष्टो गुरु भी राहु तो निर्दिष्टो भिष्ट कर्मणि मनवानो भाग धेयम स्वम धन्यम धन्यस्तथाचरेत। कि गुरु कभी पूछ ले कोई बात, गुरु बुलाए किसी काम के लिए, निर्देश दे दे, तो शिष्य यह समझे मेरा तो कोई भाग्य है कि गुरुदेव ने मुझे याद किया है।